हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। प्रियदर्शनी का और एक वीडियो इंडिया न्यूज़ पर आया। चलिए देखते इस वीडियो को। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। तो हंसेंगे ही ना। पर दीदी, ऐसी दीवानी बातें करोगी तो हंसेंगे ही। इंटरनेशनल ड्रोन्स क्यों घूमेंगे आपकी कॉलोनी में यार। आप बता दीजिए, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, पता नहीं कौन कौन सी गाली दी। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो आप। चलो मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं, आप आज इनके सामने कहिए, क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते काला पेंट। प्रियदर्शनी बोल दिए एक बार, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते काला पेंट। कोई नहीं करना अपने घरों को काला पेंट आज से। शादत अली ने उसको मारने की कोशिश करी है। ये ज्यादा सेंसिटिव है टॉपिक और इसका उन सारे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये कि शहादत अली ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, और दूसरी बात ये कि अगर तुम कोई गलती करते हो या कोई क्राइम करते हो तो उसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ पे शहादत अली ने मुझे मारने की कोशिश करी है। मैं इसके अलावा किसी चीज से बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझ पर रॉबरी का चार्ज लगा है। मतलब जो चीज में गलती लगती है वो चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। सही है, मुझे 6 महीने सजा हो सकती है। अरे क्या बात है, जज बन जाओ यार तुम तो। 6 महीने की सजा खुद सुना लो। 6 महीने क्यों, 10 दिन की सजा सुना लो, खत्म करो ये सब। मैंने उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा, उसने मुझे मारने की कोशिश करी और मैंने पीछे पलट के पुलिस को भी इंडिकेट किया कि इसे पकड़िए हमेशा की तरह। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फिर वही बात, मारने की कोशिश करिए यार। वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा मारने की कोशिश करिए। फिर मारने की कोशिश क्या बकचोदी है मैम। उसने वहां पे बहुत तेजी से हिट किया था, मुझे चोट लगी थी। आप तेजी से हिट होने के बाद गिरी नहीं, हाथ पे चोट लगी थी। ये बिल्कुल सही पूछा है। तेजी से हिट होने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान गिर जाता। नॉर्मल इंसान मर प्रिया दीदी नहीं। मैम उसका फोन साइड में चल रहा था और उसकी नजरें ट्रैफिक लाइट पे नहीं, मुझ पे थी। नजरें तुम पे थी इसलिए तुम बच गए ना। तो कैब ड्राइवर गैंग के साथ आया था, मतलब उसको पता था कि ये इंसिडेंट होने वाला है। मुझे क्या पता क्या गैंग है, ये मेरा काम नहीं है। अरे अभी तो बोला आपने गैंग के साथ आया था, फिर अभी बोल रहे मुझे क्या पता क्या गैंग क्या है। अक्कल अक्कल है कि नहीं। मैम मैं कैमरा लेकर के शूट करूंगी या पीटूंगी? नहीं, आप तो पीटोगे, बहुत पीटोगे, हद से ज्यादा पीटोगे। आपका काम ही है पीटना। पर आपकी स्कूटी सही सलामत है आप। स्कूटी स्कूटी कहाँ से आ गई बे? पहली बात तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी की लाइट मॉडिफाई नहीं करा के चलता है, कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेता है। हाँ, कानून को हाथ में लेने का ठेका तो आपने ले रखा है ना प्रियदर्शनी जी। चलान तब होता है ना जब उसने सिग्नल तोड़ा होता, उसने मुझे गाड़ी हिट करी है। सबसे पहली बात है उसने ट्रैफिक लाइट का सिग्नल तोड़ा, वो गलत है। दीदी कहना चाह रही है कि उसने सिग्नल नहीं तोड़ा लेकिन उसने सफेद लाइट का सिग्नल तोड़ा। ये कौन सा सिग्नल होता है बे? मैम मुझे यहाँ हिट गाड़ी ने नहीं किया है, यहाँ पे मुझे शहादत अली ने मारा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरे कभी बोल रही है गाड़ी ने हिट किया 40 की स्पीड से, और कभी बोल रही है गाड़ी ने हिट नहीं किया, शहादत अली ने मारा है। मैम आप सच ही नहीं मान रही है, शहादत अली ने मुझे घसीट घसीट के मारा है, मेरे हाथ को घसीटा है, खींचा है, उखाड़ा है। हाथ को घसीटा है, खींचा है, उखाड़ा है। अरे बाप रे बाप। टक्करें सड़क पर हो जाती हैं, ये आम सी बात है। खुद तो नहीं पीटने लग जाते। पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैम, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़की और आप अनपढ़ है, समझे मैम? ज्यादा बोलो ना को तुम। वॉलेट कर देना गलती नहीं होती है मैम, ऐसा बोल भी मत दीजिएगा, दुनिया में लोग आप पे हंसेंगे। हाँ बहुत असर है दुनिया में लोग, मैं तो बहुत असर हूँ मगर मैम पे नहीं तुम पे। हाँ चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो यार।